नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने एक कमर कस ली है। लखनऊ और आसपास के जिलों के अस्पतालों में डिप्टी सीएम के ताबड़तोड़ दौरे ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दवाइयां मरीजों तक पहुंचे, इसके लिए समय से अस्पतालों में आपूर्ति अनिवार्य रूप से कराई जाए। मरीजों को किसी भी स्तर पर बाहर की दवाई न लिखी जाए। अधिकारी अभियान चलाकर सभी चिकित्सालयों का निरीक्षण करें। उप मुख्यमंत्री पाठक ने मुख्य भवन स्थित कार्यालय कक्ष में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिलों में दवाओं की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि आवश्यक दवाइयों की सूची के अनुसार अनुपलब्ध दवाइयों की उपलब्धता के लिए दवा निर्माता कंपनियों और सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक करके निविदा आदि की कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राशन कार्ड सरेंडर मामले पर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि मुफ्त राशन देते समय तो कोई घोषणा नहीं हुई और अब कुछ परिस्थितियों की शर्त रखकर राशन कार्ड को वापस कार्यालय में सरेंडर करने की मुनादी की जा रही है। आगे लिखा है कि इन राशन कार्ड से लिए गए गेहूं, चावल, चना, तेल और नमक तक को बाजार भाव से वसूलने की धमकी दी जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट राशन कार्ड सरेंडर मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे, अन्यथा जांच। गेहूँ 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। मुख्यमंत्री के दावे कितने खोखले हैं, यहां थानों में दुष्कर्म की आए दिन हो रही घटनाओं से प्रमाणित है। बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र विरोधी संगठन है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमले की भी निंदा की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से मंगलवार को डॉक्टर अरविंद राजभर ने भी भेंट कर ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमले की विस्तृत जानकारी दी थी। उन्होंने कहा है कि उनको सुरक्षा का खतरा है। मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में, गांव सभा गोसलपुर पदरिया में एक दरवाजा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया, बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षा कर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले। लखनऊ के सहकारिता भवन में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने सहकारिता एकीकृत विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया और इस विक्रय केंद्र में निजी संस्थाओं और एनजीओ की ओर से तैयार की गई स्वदेशी सामानों का एक ही स्थान पर विक्रय किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद प्रदेश भर में इस तरह के विक्रय केंद्र खोले जाएंगे, जिससे लोगों का स्वदेशी चीजों के प्रति रुझान बढ़ेगा। ऐसा है कि अब यूपीएसएस वर्तमान समय में प्रॉफिट में ही आ चुकी है और आगे आने वाले समय में यूपीएसएस बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करेगी। हमारा सबका सामूहिक प्रयास है, कोऑपरेटिव में जिस तरीके से कोऑपरेशन से काम चलता है, वैसे हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी और समितियों के लोग उसमें कोऑपरेशन से आगे संस्था को बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में अच्छा नाम। म
महापौर संयुक्ता भाटिया चारबाग पहुंची, जहां उन्होंने साथ में नगर आयुक्त भी उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान महापौर संयुक्ता भाटिया ने चारबाग को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए निरीक्षण किया। आपको बता दें कि महापौर संयुक्ता भाटिया ने वेडिंग जोन, टैक्सी, टेम्पो स्टैंड और वेंडर्स को सुव्यवस्थित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और साथ ही महापौर संयुक्ता भाटिया ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। कन्या ब्राह्मण समाज के 28वें वार्षिक कार्यक्रम मंत्री शक्ति द्वारा आयोजित किया गया और इसमें बताया गया कि शराब सामाजिक परिवार में कलह, हत्याएं, आत्महत्याएं और दुर्घटनाएं प्रदान करती हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके बाद परिजनों के साथ बटुकों की शोभा यात्रा निकाली, भावी जीवन के लिए प्रस्तुत प्रदान की गई। वहीं शाम में 8 जोड़ों का सनातन पद्धति से और घड़ी में अपनाई जा रही सभी परंपराओं के साथ विवाह कराया गया। बैंड बाजा के साथ वर यात्रा संपन्न हुई। सुखी दाम्पत्य जीवन हेतु परिवार के लिए यथाशक्ति सभी सामग्री भी दी गई। समस्त कार्यक्रम संस्था के अध्यक्ष रमेश पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुए महिला सम्मेलन के कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुलोचना दीक्षित द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुखता से महापौर प्रमिला पांडे, डॉक्टर ममता तिवारी, डॉक्टर अनिता शुक्ला उपस्थित रही। बेटा इधर देखो, अरे रेखा, अरे संजय मिश्रा, अबे लाडी हरी। मथुरा के गऊ घाट स्थित कनक भवन में हर साल की तरह इस साल भी सीता नवमी मनाई गई, जहां सीता माता का महाअभिषेक किया गया। आपको बताते चले कि हर साल सीता नवमी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। ये पर्व रामनवमी से लगभग एक महीने के बाद मनाया जाता है और साथ ही आपको बता दें कि वैशाख शुक्ल नवमी तिथि को सीता जी प्रकट हुई थी और इसलिए इसे जानकी जयंती या सीता नवमी के नाम से भी जाना जाता है। सौभाग्यशाली विवाहिता माता सीता की पूजा अर्चना प्रभु श्री राम के साथ करते हैं, जो भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता सीता का पूजा अर्चना भी करती हैं। मान्यता है कि एक बार मिथिला नरेश जनक अपने खेतों में हल चला रहे थे तो वैशाख सुदी नवमी को माता सीता पुत्री स्वरूप में प्राप्त हुई, तभी से आज ही के दिन जानकी जयंती मनाई जाती है। हर साल की तरह इस बार भी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने अपने समर्थकों के साथ सऊदी अरब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मौलाना यासूब ने सऊदी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जनतुल बकी के निर्माण के लिए आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान शिया समुदाय के दर्जनों लोग शामिल रहे। शहीद स्मारक पर मौलाना यासूब अब्बास की अगुवाई में सियाह लिबास में लोगों ने सऊदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस मौके पर मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी की कब्र को मिसमार कर दिया गया है। सऊदी हुकूमत खुद इस्लामी हुकूमत कहती है और वहां के झंडे पर कलमा तो लिखा है, लेकिन रसूल अल्लाह की बेटी जनाबे फातिमा जहरा की कब्र पर कोई साया नहीं है, इसलिए खून से मेमोरेंडम लिख सऊदी हुकूमत और यूनाइटेड नेशन को ये भेजा जा रहा है। और आगे से ये कोशिशें हैं जो ये मोमेंट और ये तहरीक कितने वर्षों से यहाँ जो यहाँ से। खबर कोसीकला से है, जहां एक महिला के घर में गांव का ही रहने वाला एक युवक जबरदस्ती घर में घुसकर मारपीट की और तमंचे के बल पर महिला के साथ बलात्कार की घटना को भी अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद महिला ने पुलिस और महिला हेल्पलाइन पे बात की, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी से परेशान होकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित एएसपी कार्यालय पहुंची, क्योंकि आरोपी के परिजन इस मामले में राजीनामा करने के लिए जबरन दबाव बना रहे हैं और राजीनामा न करने पर जान से मारने की महिला को धमकी भी दे रहे हैं। बाबा
उसने मेरे साथ दो पारा से मतलब संबंध बनाने के लिए कहा, तो सर मैंने बोला कि मैं टॉयलेट करने जा रही हूँ, उस बहाने से मतलब घर के अंदर से बाहर निकली सर, मैंने बाहर से कुंडी लगाई, ताला लगाया, तो मैंने 112 नंबर पर कॉल की, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिली वहाँ से, बिजी बोला सर। फिर मैंने 1090 पर कॉल की, वहाँ से मुझे मदद मिली, लेकिन इतने में वो बोला वहाँ से मतलब जंगला तोड़ के भाग चुका था। अच्छा सर, आपने इसकी शिकायत वहाँ स्थानीय थाने पर की? यस सर, की थी। फिर सर उसने आश्वासन दिया, सीओ साहब ने, एसओ साहब कौन से वो, उन्होंने आश्वासन दिया कि मतलब जरूर तुम्हारे मतलब इंसाफ मिलेगा तुम्हें, और थोड़ा मतलब टाइम भी लगेगा इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर मतलब पूरा आश्वासन दिया कि जरूर मदद मिलेगी। कप्तान साहब ने बोला कि जरूर इंसाफ मिलेगा आपको, जरूर न्याय होगा। लेकिन आपको यहाँ तक आने की जरूरत पड़ी आखिर क्यों? सर इसलिए पड़ी कि मतलब वहाँ से सुनवाई कम हो रही है, इसलिए सर हम कई दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए। चौकी थाने स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं सर, बहुत कम सुनवाई हो रही है, नहीं कोई मतलब कोई भोला के खिलाफ कोई मतलब कार्रवाई हो रही है ना सर, मतलब कोई पकड़ने की कोई किसी की गिरफ्तारी हुई है आपके मामले में अभी तक? नहीं सर, किसी की नहीं हुई, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में प्लाई फैक्ट्री में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अर्पित कुमार मजदूर यहां 5 साल से काम कर रहा था। गौरव प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री सनमाइका बनाने का काम करती है। बताया जा रहा है कि मजदूर काम करने रात में आया था, लेकिन सुबह घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और पुलिस ने प्लाई फैक्ट्री के अंदर बने पानी के टैंक से 12 साल के युवक का शव निकाला। पुलिस के आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक बड़ी खबर के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा से मथुरा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बाके बिहारी मंदिर राधा वल्लभ मंदिर में किए दर्शन, वृंदावन के ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण। पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, मथुरा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बाके बिहारी मंदिर राधा वल्लभ मंदिर में किए दर्शन, वृंदावन के ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया है। पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मथुरा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मथुरा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है। मथुरा के मैं वृंदावन पहुंचा, थोड़ा एक्सियन एसी सब बैठे थे, तो मैं कहा कि टेल की स्थिति क्या है, तो बोले टेल पर पानी पहुंच रहा है, कुछ नहरों की स्थिति ठीक नहीं है। मैं कहा ऐसा कुछ टेल दिखा सकते हो क्या, तो रात में लगभग 12-1 बजे मैं टेल पर पहुंचा। गांव के लोग भी आए, एक ब्राह्मण भी गांव था, लोग आए और वहाँ सभी मैं देखा, रात में जो नहर किनारे हैंड पंप थे वह चालू थे, मीठा पानी आ रहा था, टेल तक पानी था, और नहर के लोग गांव में भी सिंचाई कर रहे थे। एक आध जगह देखा मैं कटिंग भी था। रात में मैं 2 बजे चेक करके लौटा, एक आध नहरें हमें सूखी भी दिखाई दी। मैं पूछा ये कैसी स्थिति है, तो वह दूसरे रजवाहा से पानी आता है नहर से, तो मेरा नज़र है कि टेल तक पानी जाना चाहिए, किसानों के खेत तक पानी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को लोक भवन में संपन्न हुई और इस बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। वरिष्ठ वकील अजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के फैसले पर मुहर लगाने के साथ ही कैबिनेट ने 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा राघवेंद्र सिंह की जगह लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मेरठ के दौरे पर रवाना होने से पहले लोक भवन में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की।
एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के साथ ही सरकार ने प्रदेश के 9 विभागों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 24 खेलों खिलाड़ियों की राजपत्रित अधिकारी के पद पर सीधा नियुक्ति दी जाएगी। ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को BDO, BSA, DPRO, उत्तर प्रदेश निदेशक खेल, नायब तहसीलदार आदि पदों पर नियुक्ति मिलेगी। 1 सितंबर 2020 के बाद के पदक विजेताओं को सीधा अधिकारी बनने का मौका मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 13 प्रस्ताव थे, जिसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे हैं जो आपके सामने चर्चा के लिए हैं, इसलिए मैं उसको ब्रीफ कर दे रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के संबंध में एक मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पास किया है कि 24 पदों पर 9 विभागों में सीधे सीधे राजपत्रित तैनाती की जा सकेगी। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति है, उस समिति के द्वारा उसका चयन होगा। प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास तथा खेलों में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में से 9 विभागों के चिन्हित 24 राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। 24 पद 9 विभिन्न विभागों यथा ग्राम विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के हैं, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, लेकिन इनको लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया। अयोध्या के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। वहीं कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के विरोध में हैं और उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कि वो राज ठाकरे को 5 जून को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या के संत भी हैं, यही नहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी ब्रजभूषण सिंह के शरण के समर्थन में हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध को बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने उनका व्यक्तिगत विचार बताया है। लल्लू सिंह ने कहा है कि जो भी भगवान राम के शरण में आएगा उनका स्वागत किया जाएगा। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं, और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। साथ ही साथ ईश्वर प्रभु श्री राम से हमारी यही प्रार्थना है कि राज ठाकरे को वह सद्बुद्धि दें कि वह मोदी जी की शरण में जा करके अपना और महाराष्ट्र का कल्याण करें। ऐसा है कि समाज में आदिकाल से अनेकों प्रकार के विचार लोगों के मन में आते रहते हैं, लेकिन अयोध्या सबके स्वागत के लिए तैयार है। जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा अयोध्यावासी होने के नाते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ दौरे को लेकर ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा है कि क्रांति की पावन धरा जनपद मेरठ में अमर जवान ज्योति पर मां भारती के वीर सपूतों को नमन करेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कई विकास कार्यों को भी लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी ने ट्वीट किया है मेरठ दौरे को लेकर। सीएम योगी ने ट्वीट किया है वहां पे वीर सपूतों को नमन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के गौरीगंज में स्थित जयपुरिया स्कूल में पहुंची, जहां उन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और लोगों को घरों में वितरण किया। वहीं इसके अलावा स्मृति ईरानी ने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से भी चर्चा की।
लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षक धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने शिरकत की, जिनका सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी और डॉक्टर भारती गांधी ने स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने 3000 से ज्यादा शिक्षकों का सम्मान किया। वहीं इस अवसर पर रंगारंग शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पे आयोजित किए गए। आपको बता दें 3000 शिक्षकों को सम्मान दिया गया। शिक्षकों का सम्मान हमेशा होता रहा है, हमेशा होता रहेगा। और सीएमएस इस प्रकार का एक खजाना है उत्तर प्रदेश में, जो अन्य प्रदेशों में भी कमी मिलेगा। इतनी प्रगतिशील, इतना नैतिक, इतना अनुशासन, इतना कर्तव्यनिष्ठ जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है और होनहार विद्यार्थी बनाया जाता है, एक आदर्श नागरिक बनाया जाता है। पिछले वर्ष से जो उपलब्धियां इन्होंने की है वो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। और उनका खुद का विवरण तो हमने चाहते हैं, ये क्या क्या उपलब्धियां एक वर्ष में की है हमारे बच्चों ने, तो टीचर्स ने मेहनत करके पढ़ाया है, तो उसकी सारी उपलब्धियां इनमें मौजूद है। ये आप देखिए अपना उत्तर प्रदेश में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।